Hello guys, I'm Vishal. Welcome to Basic Electrical Engineering. So guys, in this video, I'm going to tell you about combinations of capacitor. And last time, we will practice some questions about this topic. Related. So guys, the combinations of capacitor are our two types of combinations of capacitor. Like the resistance combinations, one series combination, one parallel combination. So guys, series combination, what is it? A combination is said to be series when the charge of capacitor is same. So guys, ये क्या होता है? मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास कोई capacitor है, consider करिए कोई capacitor है, इसको आपने एक battery के साथ connect कर दिया। ये battery है, मान लीजिए 5 volt की है कोई capacitor है, तो कितना charge store करेगा capacitor? Charge stored by the capacitor is directly proportional to the applied voltage V. अगर हम इसको further solve करें, तो ये जो directly proportional का sign remove हो जाएगा और ये हो जाएगा CV. C is the capacitance of capacitor. C is equals to Q upon V, charge stored by the capacitor per voltage. So guys, यही concept हम series combination में use करेंगे, यही concept हम अपने parallel combinations को solve करने के लिए use करेंगे. So guys, series combination में क्या होता है? Series combination में होता है कि जो आपका voltage, जो आपने voltage source लगाया है, इस तीन capacitor को series में connect करके end to end connect हैं ये तीनों, तो इसमें क्या होगा कि जो इसके पास जो current होगा, इस battery के through वो तो same होगा. बट जो वोल्टेज अक्रॉस आ रहा होगा C1 C2 C3 वो अलग आ रहा होगा. मींस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V3 होगा. करंट जो सीरीज में क्या होता है, करंट हमारा सेम रहता है, तो चार्ज जो होगा इन तीनों के पास वो सेम होगा. क्यों? जो कैपेसिटेंस होगा ईच कैपेसिटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो कैपेसिटेंस भी इसका अलग होगा, C1 होगा, इसका C2 होगा, इसका C3 होगा, क्योंकि V वेरी कर रहा है. सो गाइस, अब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हमें देखना होता है कि क्या चीज डिफरेंट है, इसमें हमारा क्या डिफरेंट है V. तो एक नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, C is equals to Q upon V. क्या चेंज हो रहा है इसमें, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज के फॉर्म में हमें फार्मूला बना लेना है Q upon C. सो गाइस, फॉर C1, फॉर V1 की बात करें तो Q तो सबके लिए सेम है, ये हो जाएगा C1. For V2 की बात करें तो C upon Q upon C2, और V3 ये हो जाएगा आपका Q upon C3. अब ये आपका net series में end to end connect है, तो अगर हम net V निकालें तो कितना हो जाएगा V1 plus V2 plus V3. V की value कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. अगर इधर से V को remove करें तो V को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा Q upon net C is equals to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. इधर से Q common आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So guys, ये है आपका net formula for finding the series combinations of capacitor. So guys, अब हम discuss करते हैं parallel combinations of capacitor. Combination is said to be parallel when potential on each capacitor is same. So guys, जो basic formula मैंने आपको derive करा था, Q is directly proportional to voltage, Q is equals to CV, C is equals to Q upon V. ये हमारा एक important formula है capacitance of capacitor को find करने का. अब हमारा जब भी capacitor parallel में connect होते हैं, तो हमें पता है कि जो हमारा current होता है each capacitor के across वो different होता है, but जो voltage across each capacitor है वो same है. तो क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो सब ये इसका मान लीजिए इसके पास चार्ज है Q1, इसके पास चार्ज है Q2, इसके पास चार्ज है Q3, और जो वोल्टेज है वो तो कॉमन है सबका, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कंसीडर करिए, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इसका है C3. सो गाइस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो बेसिक फार्मूला है उसके यूज से ही हम इसको सॉल्व करेंगे. C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी. पैरेलल में क्या चीज चेंज हो रही है, पैरेलल में आपका चार्ज चेंज हो रहा है, मींस करंट चेंज हो रहा है, तो Q की फॉर्म में इस फॉर्मूले को पहले ड्राइव करेंगे, Q is equals to CV. So guys, for capacitor 1, Q1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C1V. For capacitor 2, Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C2V. For capacitor 3 कितना हो जाएगा, Q is equals to C3V. So guys, इसको अगर हम कॉमन लेके सॉल्व करें तो नेट Q जो होगा, नेट Q वो कितना हो जाएगा, C1V plus C2V plus C3V. Q को हम चेंज कर सकते हैं CV के फॉर्म में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा C1 plus C2 plus C3, यहाँ से नेट हो जाएगा V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा C is equals to C1 plus C2 plus C3. सो
सो गाइज ये है आपका पैरेलल का कॉम्बिनेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला, वो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो हमारे रेजिस्टेंस को जैसे सॉल्व करते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, बट कैपेसिटर अगर सीरीज में होते हैं तो 1/C1 + 1/C2 1/C3 लिखा जाता है, और अगर रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं तो 1/R1 + 1/R2 सॉल्व करते हैं, बट अगर कैपेसिटर आपके पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है C1 + C2 + C3। मींस ये इन्वर्स हो रहा है, जो कैपेसिटर में पैरेलल का फॉर्मूला होता था वो इधर सीरीज का हो रहा है, जो वहाँ पे सीरीज का होता था वो यहाँ पे पैरेलल का हो रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, एक में सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लगेंगे, तो किस टाइप के क्वेश्चंस, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए, आपके पास ये सारे जितने भी कैपेसिटर हैं आपको इनका चार्ज गिवन है 2 माइक्रोफेरेड का, ईच कैपेसिटर आपको कनेक्ट है इन सीरीज। ये देखिए यहाँ से करंट आएगा ये। तो सीरीज के अंदर हमने फॉर्मूला फाइंड करा था, 1/C कितना होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C5 अप टू जितने भी आपके कैपेसिटर हो। इधर हमारे कैपेसिटर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये अप टू C8 तक होगा। 1/C इज इक्वल टू में 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 तो गाइस ये आपके अब नेट जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/C की वैल्यू आएगी आपके पास 8/2, सी की वैल्यू आएगी 1/4। सो गाइस जब 1/C की वैल्यू आएगी 8/4 ये आएगी आपके पास, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका पास 4। तो 1/C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/C की वैल्यू हो जाएगी 4, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 माइक्रोफेरेड। नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज में हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम बैक साइड से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे दोनों ऑपरेशंस लगने हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन भी और आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं ये और ये जो है, ये तीनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। सो गाइस हम बैक साइड से इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है तो हमें सीरीज का फॉर्मूला पता है, 1/C कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C is equals to 1/60 plus 1/60 plus 1/60। तो नेट सीरीज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 20 माइक्रोफेरेड। सो गाइस इतना जो कॉम्बिनेशन था हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है, तो पहले इसको अगर मैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो हमें नेट सीएस की वैल्यू पता है, C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो सीएस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो इस वैल्यू, इसकी इतने की वैल्यू होगी 20, इसकी वैल्यू भी होगी 20। अब जो आपका सर्किट है कुछ इस तरह से चेंज हो गया, ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया आपके पास 20 और ये हो गया आपके पास 20। सो गाइस फिर ये दोनों आपके पास सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हमें पता है क्या होता है कि डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, जब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये सीरीज में आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। सो गाइस अब आपके पास दो पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगाने का फॉर्मूला आपको पता है, C1 + C2। तो ये हो जाएगा 1/20 + 1/40 इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा नेट सीएस की जो वैल्यू आएगी 40/3, ये हो जाएगा सीएस। सो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इस कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। उधर भी हम आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल नॉलेज से रिलेटेड आपके वीडियोज और पोस्ट हम करते रहते हैं। थैंक यू।